हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक नया माइक्रोस्कोप। तो चलिए, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, इसका क्लियरिटी कैसा है, सारा मैं अभी कनेक्ट करके टीवी में बताऊंगा आपको। तो ये एक नया माइक्रोस्कोप हमने मंगाया है, ये है RF4 का माइक्रोस्कोप और इसमें कैमरा भी हम अटैच करेंगे और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इससे पहले जो मैंने माइक्रोस्कोप बताए थे आपको, मैकेनिक का या फिर आपको मिडास का या फिर आपको प्रिंस पार्ट फिक्सिट का मैंने बताया था इससे पहले। अभी हम ये RF4 का देखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो सॉफ्ट टॉप माइक्रोस्कोप का भी हम अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाएंगे, तो नीचे कमेंट करके बताना। अभी सबसे बेस्ट सॉफ्ट टॉप का है, अगर उसके बाद देखेंगे तो RF4 भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी अभी देखते हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं। ये जो हमने मंगाया है ये रामराज, देख सकते हैं ये इनका नंबर है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट भी है इनकी, यहाँ पर इनका नंबर वगैरह है, आप चाहें तो इनसे मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी अपन ओपन कर लेंगे इसको। तो इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये इसके अंदर कैसा क्या है। तो चलिए ये हम ओपन कर लिए हैं अभी, इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे और माइक्रोस्कोप पे भी फिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेप यहाँ पे लग के है। तो सबसे पहले इसी को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा पैकिंग वगैरह अच्छी करके भेजे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो नीचे रखने के लिए स्टैंड होता है, तो सारी चीज़ इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.7x का लेंस होता है वाइड एंगल। तो ये लेंस का ज़रूरत पड़ता है माइक्रोस्कोप पे नीचे लगाने के लिए। और ये एक है लेंस को सेव करने के लिए आता है नीचे आपको, ताकि डस्ट वगैरह आपका लेंस पे ना जाए। ये इनके कार्ड्स है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, रामराज करके देख लीजिए। और ये इसका आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का सारा सेटिंग्स वगैरह है। ये मैनुअल होता है, यूज़र मैनुअल, एसेसरीज को बाजू रख देते हैं। और ये जो होता है माइक्रोस्कोप फिट करने के लिए, ये 3 यहाँ पे स्क्रू आते हैं। इसमें एक और आता है जिसमें डायरेक्टली आपको बड़ा होल आता है, तो हमको ये 3 वाला चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, मैं इसको निकाल देता हूँ, और इसको वैसे भी हमको निकालना ही है। तो सबसे पहले ये बेस होता है, स्टैंड होता है, इसमें अलग अलग टाइप के स्टैंड्स आते हैं। जितना आप अच्छे क्वालिटी का लेंगे, जितना महंगा या जितना बड़ा स्टैंड लेंगे, तो आपका प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये RF4 है, यहाँ पे इसका RF7050 है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये क्या रिंग है भाई। ये आपको एक मार्क्स है, अगर मार्क्स लगा के काम करना है तो कर सकते। ये देख सकते हैं इसका LED लाइट, जिसमें एक चार्जर टाइप दिया गया है यहाँ पे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, और इसमें यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए एक ऑप्शन होता है, तो ये भी एक चीज़ है इसमें। इसको भी बाजू रख लेता हूँ। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये लेंस का रबर्स है इसमें, मतलब माइक्रोस्कोप में अगर आप रबर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो ये रबर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको भी बाजू रख देते हैं। अब हम यहाँ से ये थर्माकोल जैसे निकालते हैं, तो देखते हैं इसमें मिल जाएगा हमको माइक्रोस्कोप। तो शायद हो सकता है उल्टा हमने खोल लिया है, तो वापस से इसको बंद करते हैं। इसको इस तरह से, कट करना होगा, देख सकते हैं साइड से, और इस साइड से भी काट लेते हैं। तब ऑल 4 साइड से हमको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें जो हमको मिला यहाँ पे माइक्रोस्कोप होल्ड करने के लिए, और एक रॉड यहाँ पे मिलेगा आपको, तो और CCTV लेंस यहाँ पे है, और ये आईज के पास लगाने के लिए। तो चलिए इसको साथ ही साथ फिट करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं इस पर फिट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आपको इस तरह से फ़िट कर लेना है, और अगर आप चाहे तो ये निकाल के मैं यहाँ पे फिट करने वाला हूँ इसको, स्टैंड को नीचे। अभी फ़िलहाल आपको इस तरह से बता देता हूँ मैं। चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फिट हो चुका है, और इसके बाद
सबसे पहले हम इसको डालेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे इसको इस तरह से डालना है और इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं, तो हाइट एडजस्ट करने के लिए। तो अगर इसके नीचे का भी अगर दिया हो तो ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो मेन स्टैंड है इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको अपने को ओपन करना होता है। तो चलिए ये भी ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे जो लगेगा इसका CTV जो लेंस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइड में इसका ये लॉक होता है, जिसको हम इसकी LN की से ओपन करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये LN की है इसकी, तो इसको आप पकड़ के यहाँ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद हमको इसको इस तरह से इसमें रख देना है। तो ये लॉक तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए इसको लॉक कर देता हूँ वापस से। चलिए ये लॉक हो चुका है, और अब रही बात यहाँ पे हमको ये दोनों हमारे आइस के पास ये फिट करने होते हैं। यहाँ पे भी लॉक है इसका, मतलब कैप्स लगा के रखे हैं ये लोग, तो इसको मैं निकाल लिया हूँ जैसे देख सकते हैं। इसको भी फिट करने के लिए हमको यहाँ पे लॉक्स होते हैं इसके, जो कि स्क्रू से होंगे, ये छोटा जो स्टार का स्क्रू है हमारा थोड़ा वहाँ। तो ये दोनों निकाल लेंगे और इसको इस तरह से डाल लेंगे, और यहाँ पे इसको फिट करने के लिए नहीं होता इसके लिए, तो सिर्फ ऐसे ही है। तो ये पूरा सेट हो गया हमारा। अब इसके साथ हम जो कैमरा मंगाए, एक बार कैमरे को भी देख लेंगे। तो कैमरे का जो पार्सल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको भी एक बार ओपन कर देंगे ताकि LCD में लगा के देख सकें। कोई बात नहीं, खुल गया ये। तो यहाँ पे मेरे पास अभी दो कैमरे हैं, एक 4K है और एक, ये भी 4K है हालांकि एक रिलाइफ का है, एक रिलाइफ का है और एक RF4 का ही है। तो चलिए दोनों में से पहले मैं ये वाला ही लगा के देखना चाहूँगा, तो इसको बाजू रख देता हूँ। तो सबसे पहले इसी वाले को हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के लिए थोड़ा ब्लेड चाहिए, ब्लेड नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं कैमरा आपको RF4K C1 का इस तरह का यूजर मैनुअल मिलेगा। इसमें मिलेगा HDMI केबल जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, और एक मिलेगा यहाँ पे प्रिंटर केबल, और यहाँ पे जो यूज़ होगा इसमें प्रिंटर केबल यहाँ पे USB के लिए है। और ये हमारा कैमरा इस तरह का कुछ दिखता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो HDMI आउटपुट है, 5 वोल्ट इनपुट है, 12 वोल्ट का चार्जर है, USB, यहाँ पे मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मेनू ऑप्शन है 4K का ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ से हमको ये लॉक निकालना होगा इसमें से, तो ये इसका लॉक होता है, लॉक खोल दिया हूँ मैं। यहाँ पे अपने को फिट करना है, तो कैमरा जो है हमको इस तरह से इसमें इजीली फिट हो जाता है, ये देख सकते हैं। तो ये कैमरा भी फिट हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको मैं घुमा लेता हूँ क्योंकि
ये फिट हो गया है। और अभी हम इसको लेंस को इस तरह से टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो केबल चाहिए हमको चार्जिंग के लिए, पावर के लिए, ये वाला केबल यूज़ होता है इसमें, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का 12 वोल्ट का चार्जर दिया है, तो ये वाला यहाँ पे प्लग इन करेंगे और इसको आपको लगाना है यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले में, देख सकते हैं इस तरह से लगा लिया हूँ मैं। और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे नीचे वाले में, और इसको तो कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे देखते हैं, इसे ऑन करके देखिए यहाँ पे स्विच इसका लाइट आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम HDMI भी कनेक्ट कर लेंगे, तो HDMI इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो अभी यहाँ से इसका भी पावर ऑन कर लेंगे LCD का, और इसको भी ऑन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लाइट आ चुका है इसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन लाइट हो चुका है इसका, पहले जो रेड आ रहा था। और चलिए LCD भी ऑन कर लेते हैं। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं कैसा ये दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे लाइट लगाना होगा नीचे, देख सकते हैं ये लाइट को भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद हम PCB रख करके चेक करेंगे। तो लाइट जो लगाना है आपको, उससे पहले लेंस लगाना होगा। तो लेंस जो था हमारा ये वाला 7X का लेंस, तो ये लेंस में क्लॉथ दिया गया है और ये एक लेंस है। ये फुल माइक्रोस्कोप सारा चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे नीचे लॉक होता है इसका, ये लॉक निकाल लेते हैं इसमें से, देख सकते हैं ये कैप होता है। इसको लगाने से पहले एक बार मैं इसका लेंस के ऊपर का जो हमारा सेफ्टी के लिए होता है इसको भी लगा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे लेंस लगा लेते हैं इस तरह से, और ये देख रहे हैं आप 7X का लेंस है, RF4 का। सेवन एक्स में क्या होता है, थोड़ा सा हाइट कम मिलता है आपको। 5X में जो होता है हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर तक रहता है। थोड़ा सा एक बार इसको रिवर्स करके चलिए यहाँ पे हम लगा लेंगे इस तरह से लाइट, बाद में लगेंगे। चलिए चार्जर लगा लेते हैं लाइट के लिए, साइड में से स्विच होता है इसका, स्विच ऑन कर लेंगे। देख सकते हैं लाइट यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे मैं एक PCB बताना चाहूँगा आपको, यहाँ है ना ये PCB लेना। जैसे कि अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा ये बहुत ऊपर है, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। और अभी हम PCB में चेक करेंगे, ओके।
ये पूरा फुल जूम था जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसकी क्लियरिटी जो अगर आप बात करो, मैं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं ये इसका चेंज कर, यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं अगर आपके आइस थोड़ा दूर होना चाहिए, कितना आपको आइस के हिसाब से अपने आप इसको सेट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। किसी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा कि मुझे अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर बताना चाहूँगा मैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। हालांकि एक और पीसीबी मैं आपको रख के बताऊंगा, अगर बैक साइड बात करें आप तो ये यहाँ से जूमिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, इतना सारा जूम करके आप देख सकते हो कंपोनेंट आईसीस वगैरह। ये सीपीयू जो है इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लग के हैं, एमएमसी एसके हाइनिक्स, ये देख सकते हैं। क्लियरिटी तो बहुत अच्छी है, हालांकि एक और पीसीबी में भी देखेंगे तो एक और पीसीबी में बताना चाहूँगा मैं। पे देख सकते हैं एक Redmi 6A का बोर्ड है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये क्लैरिटी इसमें हमको मिल रही है। फोर के कैमरा है, उसके लिए टीवी भी आपको 4K चाहिए, देख सकते हैं सीपी में उसी दोनों इसमें नज़र आ रहे हैं अच्छे से। अगर मैं बात करूं सैमसंग के मदरबोर्ड की, देख सकते हैं कितना आप जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं एक बार। मतलब आप देख सकते हैं पूरा एक एक वॉल को अच्छे से देख सकते हैं। जूमिंग का जो ऑप्शन है इसमें बहुत अच्छा दिया गया है, देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको दोनों ही नज़र आ रहे हैं। अगर जूम करना चाहे आप तो जूमिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है इसमें, देख सकते हैं एक एक वॉल को आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आईसीओ को भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स वगैरह। तो ये जूम आउट कर देता हूँ मैं एक बार, तो ये क्रिस्टल वगैरह लग के हैं। एक और बोर्ड में देख लेते हैं, ये रेडमी 5A का बोर्ड है, देख सकते हैं इसमें। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, मतलब दो के सीपीयू और ईएमसी जो है एक बार में आप बहुत आसानी से इसमें देख सकते हैं। और अगर पीछे की बात करूं तो चलिए आगे इसमें और भी बताऊंगा आपको दूसरी टीवी में भी लगा करके। हालांकि इसमें तो हमें अच्छा ही लग रहा है, ब्राइटनेस भी थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं आप, कम करना है कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा ये 4K का अल्ट्रा वीडियो है, और RF4 हमने मंगाया 7050 जो कि टीवी यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये एक माइक्रोस्कोप जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में आकर के है, तो अभी मैंने मंगाया इसको, मैं भी यूज़ करूँगा डेली। आप देखिए इस पर वीडियोस वगैरह भी बनाएंगे हम लोग, और दूसरी एक LCD में भी लगा के देखेंगे, बड़ा वाला LCD में इसका कैसा क्वालिटी है, कैसा क्लियरिटी है। हालांकि इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं अभी लेटेस्ट में, अगर कोई माइक्रोस्कोप लेना चाहते हैं तो ये वाला ले लीजिए, मेरे हिसाब से बेटर है, कुछ नया इसमें दिया गया है और जो क्वालिटी जो डिज़ाइन वाइज बनाया गया है इसको बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअली। और मेन चीज़ क्या है, हमको अच्छा क्लियरिटी के साथ यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जो अंदर जो दिख रहा है बहुत एकदम क्लियरिटी के साथ है। तो यही चीज़ चाहिए हमको, मोबाइल रिपेयर करने के टाइम पे क्लियर होना चाहिए, आपको देखने के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में आपको अगर मध्यम दिखेगा तो वो आपको सही से नहीं होगा। और एक चीज़ फ्रेंड, हेयर में आप कभी भी ऑयल लगा के काम मत करिए, अदरवाइज़ इसके लेंस जो है वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो आपको मार्केट में मिलते नहीं है, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाता है। कहीं पर मिल भी जाते होंगे लेकिन महंगे मिलते हैं, तो आप ऑयल मत लगाइए माइक्रोस्कोप यूज़ करने में। तो ये जो वीडियो आप देखें फ्रेंड्स, आप RF4 के बारे में, अगर आपको सॉफ्ट टॉप का एक माइक्रोस्कोप मार्केट में फिर रहा है जिसका प्राइस आपको 42 से 50,000 तक होता है, हालांकि वो आपको नॉर्मल टेक्नीशियन को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि हमने वो भी माइक्रोस्कोप मंगाया, उसका भी मैं रिव्यू बना के बताऊंगा आपको कि वो माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। ये वीडियो देखिए, ये 4K कैमरा है इसके अंदर, और
RF4 का ही है, दोनों भी RF4 के ही है। और ये जो हमने मंगाया है रामराज टूल से मंगाया है, अगर आप चाहें तो इनके पास से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। हालांकि वीडियो में आप शुरुआत में आपने देखा होगा, ये प्राइस भी बेस्ट मिल जाएगा आपको। हमारे फ़ोन फिक्स के नाम से आप जा करके पूछ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है कहीं से भी ले लीजिए। और इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारा जो ट्रेनिंग का कोर्स होता है 20 दिन का होता है, नेक्स्ट 27 फरवरी से हमारा बैच है, बुकिंग चल रहा है, हाफ सीटें बुक हो चुकी है, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। पूरा एडवांस लेवल चिप लेवल का काम यहाँ पे सिखाया जाता है आपको, मदरबोर्ड पे जितनी सारी चीज़ें होती हैं सबके बारे में जानकारी आपको मिलती है। 4G 5G हैंडसेट पे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, 5G का सर्किट पढ़ाया जाता है बेसिकली। 4G जो है अभी फ्रेंड्स भी चल रहा है मार्केट में, 1-2 साल तक आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 5G अभी आ रहा है, आने वाले समय में आपको 5G में भी अपडेट होना है, तो बहुत कुछ 5G में देने के लिए आपको है। आज ही जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और भी बहुत अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आप, बहुत सारे वीडियोस हमारे हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहें। कोशिश की है इसको समझाने की, बहुत आसानी से फिट किया है इसको, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।